सभी के जिंदगी में एक शुभ अवसर पे है, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस समय में जिन लोगों के कारण, जिनके कारण ये आजादी उपलब्ध हुई है पिछले 75 साल में, प्रजातंत्र हम लोगों को मिला है, हम आज इस स्थिति में हैं। अगर लाला जी का बलिदान 1928 में ना होता, कोई भी चीज आसान से नहीं मिलती है, आज तो हम उस स्थिति को कल्पना नहीं कर पाएंगे। उस परिस्थिति में भी लाला जी को थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ने का कोशिश किया है। उनके बारे में मैं जब भी दो पन्ना पढ़ता हूं, मेरे को नया अनुभूति होता है। ऐसे महापुरुष की आज शहादत दिवस है, उनकी योगदान के कारण, सैक्रिफाइस के कारण आज हम लोग यहां उपस्थित हैं। 1865 में जन्मा उस युग पुरुष की 157 साल आयु है, वो अमर है। आज भी लाला जी महापुरुष उसी को कहा जाता है जो जीवन के उपरांत भी लोगों के मन में रहते हैं, लोगों के दिल में रहते हैं, लोगों के संस्कारों में रहते हैं। लाला जी अभी व्यक्ति नहीं रहे, भले ही उनकी शहादत को लगभग 100 साल थोड़े सालों में पूरा होगा, लेकिन युग पुरुष के रूप में वो भारत की सभ्यता के अंदर आज भी जीवंत है। आज व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए बहुत ही सुखद अवसर पे अवसर है, उन्हीं की एक बहुत प्रतिमा को आज हम सब मिलके समाज के लिए लोकार्पित किए। हम सभी का, जो लोग आज इसकी उस पवित्र काम की हम साक्षी बने, हम सब सौभाग्यशाली है इस शुभ मुहूर्त के भागीदार होने का। मित्रों, मैं उड़ीसा से आता हूं, मेरे परिचय भी ऐसे क्या क्या, शायद आपकी 10 राज्यों की 20 प्रोजेक्ट के अंदर जो काम हो रहे हैं उसमें उड़ीसा में भी शायद 2 को गिना जाएगा। हमारे अत्यंत श्रद्धा के केंद्र समाज अखबार और हमारे हॉस्पिटल चिकित्सा केंद्र हम कहते हैं, उस चिकित्सा केंद्र जिनकी सबसे ज्यादा योगदान हमारे आदरणीय निरंजन जी का है, लोक सेवक मंडल की पूरा परिवार का है। लेकिन मित्रों, मैं जिम्मेवारी और थोड़ा अहंकार के साथ कहता हूं, अनुमति लेके, शायद लोक सेवक मंडल जितना लोकप्रिय देश के अंदर उड़ीसा में है, बाकी 9 राज्यों में इतना नहीं होगा। उड़ीसा की कोई घर नहीं है जहां समाज नहीं पहुंचती है।